में जहां शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की रैली की तैयारियां तेजी से हो रही हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली से बैठकर सांसद नवनीत राणा महाराष्ट्र सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। नवनीत आज सुबह अपने पति रवि राणा के साथ दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंची। बस सुबह 8:30 बजे पैदल ही घर से कर्नाट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुँच गयी। यहाँ उन्होंने कहा कि मैं महाराज से शकुनी और अपशकुनी के संकट को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने आई हूँ। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत ने इशारों में कहा कि उद्धव आज सभी सवालों का करारा जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज 2.5 साल बाद इस तरह की रैली मुंबई में होने जा रही है, लाखों लोग इसमें आएंगे, उद्धव ठाकरे का संबोधन सुनेंगे। जी हाँ, आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुंबई में रैली को संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि वह रैली में भाजपा मनसे पर निशाना साधेंगे, क्योंकि ये दोनों दल हिंदुत्व, हनुमान चालीसा और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को लेकर उन्हें किनारे करने में जुटे हैं। इस रैली का आयोजन उद्धव के आवास मातोश्री से चंद कदमों की दूरी पर स्थित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल होंगे। पिछले साल नवंबर में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के बाद से शिवसेना प्रमुख की यह पहली रैली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।